स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। आज हम सीखेंगे अनारकली सूट कैसे बनाया जाता है। ये देखिए नेट है, ये बॉर्डर है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये बॉर्डर लग रहा है। इसे हम नीचे लगाने वाले हैं घेरे में। 4 मीटर का घेरा हम रखने वाले हैं। ये देखिए इसकी चौड़ाई 4 इंच है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी आसानी से। सबसे पहले आप साइज देखिए, लंबाई 40 इंच, चेस्ट 34, वेस्ट 28, हिप 34। नीचे का घेरा हम 4 मीटर रखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए नेट का कपड़ा है। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि 4 मीटर घेरा भी हो जाए। और 20 कलियों में हम बनाने वाले हैं। 20 कली दोस्तों याद रखिए, 10 आगे और 10 पीछे। इसके लिए आपको 2.25 मीटर कपड़े लगेंगे सबसे पहले, और घटने के बाद फिर लगेगा। इसका कोई एवरेज नहीं होता और कपड़े की लंबाई चौड़ाई भी अलग रहती है, इसके हिसाब से आपको चलना होता है। ये देखिए लंबाई हम 40 रखने वाले हैं। ये देखिए 40, अभी 40 से ज़्यादा हो जाएगा, मगर ये खींच रहा है तो इसे काटना पड़ेगा। ये देखिए इसे आप पहले हटा दें इसका, ये कपड़े को खींच रहा है। दोस्तों आप लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, और आप अगर लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो ही मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना पाऊँगा। प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। ये देखिए इस साइड भी इसी तरह से हम इसे कटिंग कर देंगे। ये देखिए इसे काटने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ये 2 लेयर हैं, और ये जब हम फोल्ड करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। ये देखिए ये 4 हो गई। अब इसे अच्छे तरीके से इसे प्लेन कर लें। ये देखिए बहुत ही आसानी से 4 हो गई। अब इस पर हम कोई भी साइज कैसे निकालते हैं घेरा वगैरह, तो इसके लिए एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर कोने में आई के बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो। उससे आपको समझ में आएगा कि घेरे की कली एक कैसे निकाला जाता है और चेस्ट की भी कैसे निकाला जाता है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 40 पर हमने निशान लगा दिया। ये देखिए इसे हम सिर्फ सीधा कर देना है, पूरा सीधा। चलिए इसे काट देते हैं पूरा। ये देखिए हमने इसे काट डाला। चलिए अब इस साइड भी जॉइंट को खोल लेते हैं इस तरीके से। ये आपको काट लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं काटते तो फिर एक एक पीस काटना पड़ेगा। ये देखिए ये 1, 2, 3, 4, ये 4 लेयर हैं हमारे पास।
और हमें निकालनी है 20 कली। किस प्रकार से निकलेगी वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए 20 सेंटीमीटर जो हमने निकाला है, इसके लिए एक वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं जो आप कितने भी घेरे को डिवाइड करके कैसे निकाला जाता है वो आप समझ सकते हैं उस वीडियो में। और ये देखिए ऊपर को भी, ये देखिए अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये इसका आधा लें आप, अगर ये 20 है तो ये 10 इस तरीके से आप यहाँ पकड़ें और यहाँ पे आप ऊपर आएँ और यहाँ पे 10 पे निशान लगा दें। अब जो भी आपको रखना है उसके बीचों बीच आप इसे इस तरीके से बैठा दें। हमारा हिसाब आया 34 चेस्ट का 20 कली पे डिवाइड करने पर हमें 1.7 मिला है हमें इंच, इंच में याद रखिएगा, सेंटीमीटर में नहीं इंच में। और ये नाप के और जितनी भी हम दबाव लेना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा हमने रख दिया है। और यहाँ ऊपर से हम 17 इंच लेंगे, यहाँ पे निशान लगा देंगे, ये देखिए 17 पे निशान लगा दिया। अब एक स्केल लेंगे और ये जो निशान है एकदम यहाँ से स्ट्रेट आएंगी, एकदम सीधी। ये देखिए बिल्कुल ही सीधी। ये देखिए अब यहाँ से हम इसे तिरछी लेंगे, जहाँ पे नीचे का निशान दिया हुआ है वहाँ से तिरछी और यहाँ से भी तिरछी। ये देखिए ये हो गया, ये कली का निशान पूरी तरीके से लग चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ये कमर के पास से फैला हुआ, जो हमने ऊपर से 17 इंच नापा है वो कमर के पास हिप से फैला हुआ है, इसलिए हम 17 इंच लेते हैं। 16, 17, 18 जो भी आपका लंबाई है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। चलिए इसे कटिंग कर देते हैं। ये देखिए चलिए इसे काट लेते हैं, यहाँ से सीधी आके फिर यहाँ से तिरछी हो गई। ये बिल्कुल अम्ब्रेला यानी कि छाते के डिज़ाइन के जैसा कटेगा। ये देखिए कम से ज़्यादा, दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। ये देखिए इसे उल्टा कर देते हैं इस तरीके से, ये देखिए ये अल्टी पल्टी आप काटेंगे, इसका एक ही मकसद होता है कि कपड़े की वेस्टिंग कम होती है। ये देखिए क्या हो गई, ये 4 हमारी कट चुकी हैं और अब काटेंगे तो ये 4 8 हो जाएंगे। ये देखिए ये 8 कलियां हमारी निकल गई हैं। टोटल हम 20 कली निकालने वाले हैं, ये 8 निकल गई। और अब हम एक कली उसमें से निकाल लेते हैं ताकि ये फर्मे का काम करेगा पूरा। ये देखिए ये एक एक कली आप निकाल के इस तरीके से बैठा के आप काटते हुए चले जाएं, ठीक है। ये देखिए अब ये वाला लेयर कटेगा तो हमारा हो जाएगा 12 कली।
इस कपड़े पे हमें 16 कली मिलेंगी, यानी कि 4 कली के लिए हमें अलग से कपड़ा बिछाना पड़ेगा। और ये हमारी 12 कली कट चुकी है। ये देखिए ये 12 निकल चुकी हैं और ये 4 16 हो जाएंगे। ये देखिए नेट का कपड़ा है, बहुत ही आराम से काटना पड़ता है हमें इसे। ये देखिए ये हमारी 16 कली निकल चुकी है। जब आप इसे सिलिएगा तो बहुत ही खूबसूरत ये लगती है। ये देखिए अब 4 कली और हम निकालेंगे, चारों साइड की कली निकालेंगे। साइड की कली कैसी होती है इसमें भी हम सीखेंगे। चलिए ये खींच रहा है, इसे पहले काटेंगे, ये बहुत डिस्टर्ब करता है, ये इसे हम पहले काटेंगे। ये देखिए इसे हम डबल करके इसे हम 4 निकालने वाले हैं। ये एक कली हमने लिया फरमे के तौर पर, ये देखिए एक कली आप ले लें फरमे के तौर पर, और यहाँ से इसे 1 और 2, ये देखिए इसे हमने बिछा दिया। इस तरीके से कुछ नहीं करना, आपको बिछा देना है। चलिए सेम टू सेम एक साइड काट लेते हैं और दूसरी साइड कैसे करना है वो हम अभी बताते हैं। ये देखिए चलिए दूसरी साइड कैसे करना बताते हैं। पहले आप यहाँ से 5 इंच लीजिए, फिर यहाँ से जहाँ कटिंग है वहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। ये देखिए अब यहाँ से आप इस तरीके से राउंड कर दीजिए और फिर यहाँ से इसके लगा राउंड कर सकते हैं आप। ये देखिए लास्ट में वहीं पे मिला देना है जहाँ पे घेरे की शुरुआत हुई है। ये देखिए ये हमारे 2 कलियां साइड की निकल चुकी हैं। ये देखिए ये हमने साइड की कली बिछा दी उल्टी करके और फिर हम 2 निकाल लेंगे तो 4 हो जाएंगे। ये जो हम काट रहे हैं वो ऊपर का भाग है, ये देखिए ये देखिए ये कट चुके हैं, ये 4 कलियां कट चुके हैं, यानी उधर 16 और ये 4 20 कलियां हमने निकाल लिए पूरे के पूरे। ठीक है चलिए इसे हम बांध के रख देते हैं, बाकी प्रैक्टिकल आपको मशीन में बताएंगे।
ये देखिए 16 कलियाँ और ये 4 कलियाँ साइड की, सभी को हमने अलग रखा हुआ है ताकि 16 जोड़ के और बाद में हम वो कलियाँ जोड़ दें। ये देखिए अस्तर है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये कपड़ा 2.5 मीटर है लेकिन 2.5 मीटर लगेगा नहीं, आपको 2.25 मीटर में हो जाना चाहिए। 40 की लंबाई हो तो 2.25 में हो जाएंगी। ये देखिए ये 2.5 मीटर है लेकिन 42 इंच पे हमारा हो जाना चाहिए। ये देखिए अब इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ डबल कर दें। ये डबल है और ये चौपल हो गया, ये आगे पीछे दोनों का अस्तर निकल जाएगा एक साथ। ये देखिए इसकी लंबाई आप बराबर में लें एकदम, कहने का मतलब है कि लंबाई अगर आपकी 40 है तो नीचे मार्जिन ना लें। नीचे अगर आप मार्जिन लेते हैं तो वो बढ़ सकती है अस्तर, आप बराबर मिले मुड़ कर वो 1 इंच अंदर चली जाएगी, क्योंकि नेट से तो हमें 1 इंच अंदर रखना है ना अस्तर को, वो तो दिखना नहीं चाहिए, तो 1 इंच 2 इंच अंदर ही रहती है। ये देखिए लंबाई पे हमने निशान लगा दिया 40 इंच पे। अब ये शोल्डर हम 5.5 या 6 लेने वाले हैं। ये देखिए यानी कि अस्तर पे आपको वही चीज़ काटना है जो आपके नाप में है। देखिए 34 का चौथा भाग 8.5 और कमर हमारी 28 थी तो 28 का चौथा भाग। ये देखिए आप 1-2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं ताकि हम बाद में उसे दबा सकें, आप बाद में उसे शेप कर सकते हैं। ये देखिए राउंड इस तरीके से लेके पूरी ये हम देखिए। बहुत लोगों ने हमें कमेंट किया कि आप वीडियो फॉरवर्ड चलाते हैं, तो वीडियो हमने फॉरवर्ड इसलिए करते हैं हम कि वीडियो लंबा होता है और लंबा वीडियो हम अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इस वीडियो को हमने फॉरवर्ड नहीं किया है लेकिन हमने अलग अलग पार्ट्स पे ये वीडियो बनाया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसका अगला पार्ट देख सकते हैं, और या फिर कोने में आई के निशान पर वहाँ क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या फिर अभी अगर ये वीडियो अपलोड नहीं होता है तो 2-4 दिन बाद ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप थोड़ा सा वेट करो आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 1 है, स्टेप बाय स्टेप आपको आराम से हम सिखाएंगे ताकि जो चीज़ सीखने में समय लगता है वो चीज़ बहुत ही खूबसूरत होती है। ये देखिए ये पूरा अस्तर कट गया। और भी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए आप यहाँ हमारे बॉक्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें से आप जो भी देखना चाहते हो देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो और आप हमारा हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।